में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जान से मारने की इंटरनेट कॉल से धमकी मिली है, जिसको लेकर FIR दर्ज की गई है। यूपी के बुलंदशहर सदर विधानसभा सीट के भाजपा प्रत्याशी को मिली जान से मारने की धमकी। आपको बताते चलें, फोन पर इंटरनेट कॉल के जरिए उनको जान से मारने की धमकी दी गई है। पीड़ित ने मामले की कोतवाली देहात में तहरीर देकर जांच की गुहार लगाई है। इसी के चलते पुलिस जांच में जुट चुकी है। मनोज कुमार गोयल, बुलंदशहर, समाचार 24। आपने कोतवाली में तहरीर दी है, क्या पूरा मामला था, किस तरीके की धमकी दी गई है और क्या कहा गया है? भारतीय जनता पार्टी में भाजपा प्रत्याशी जी, कल 2:54 पे आउट ऑफ कंट्री से फोन आया। उसने कहा प्रदीप चौधरी कहाँ है? उसने बताया मेरे जो साथ में भाई जो सरदार नगर में प्रचार कर रहे हैं, तो बोला वो सब उसने गाली गलौज दी। मैं कहना नहीं चाहता हूँ, अभद्र भाषा का जो करा बोला सारी गोली मार दूंगा उसको आगे। और मेरा नाम खान साहब है। इस तरह की मैंने उससे कहा मैं ठीक है भाई, इधर धमकियों से कहाँ डरे कोई आदमी, हम तो जब जब से संघ रहे पहले संघ में हमने काम करा और राम भक्त है, राम भक्त तो कौन रहा है भाई, मुलायम सिंह जी ने कोई गोली चलवाई हम पे क्या फर्क पड़ा भाई। तो उसमें चुनाव न लड़ने की भी कोई बात कही है? नहीं, मुझे बोली कि चुनाव लड़ने की भाई आते ही तुझे गोली मार दूंगा। मैं मेरे से नहीं कहा, उसका काज का फोन था तो बाद में मैंने नंबर मिलाया तो मिला नहीं, हाथ 7 नंबर का नंबर था। तो आप शासन प्रशासन से क्या मांग? पहला तो ये कि विपक्ष जो है ना ये जनसैलाब को देखकर घबरा गया, इसीलिए वो चारों तरफ से ऐसी योजना बना रहा है कि भाई इसके उनसे डरा करके इलेक्शन में डेमोलाइज करते हैं इसको। और हम कहाँ डरने वाले हैं भाई जी, हम तो राम भक्त हैं, जय श्री राम होगा वही जो राम रचना का। तो क्या मांग करते हैं शासन प्रशासन? मैं कोई मांग नहीं करता भाई, ये किस तरह के षड्यंत्र नाटे विपक्ष जो, जब उनके पास पल्ले कुछ है ही नहीं और इधर से धमकी उनकी दिलवा के भाई प्रसाद उसका प्रत्याशी का मनोबल टूट जाए काम कर।